हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा जो वीज़ा है यहाँ पे वो एक्सपायर होने वाला है, तो उसको एक्सटेंड करवाना था हम लोगों को। तो हम निकल रहे हैं सीधे यूनिवर्सिटी, पर यूनिवर्सिटी जाने से पहले हम एक बार बैंक में भी जाएंगे। वहाँ जाके क्या हमको जो पेमेंट है वीज़ा की वो वहीं से भरनी है, उसके बाद में हमारा जो फॉर्म वॉर्म है वो यूनिवर्सिटी में फिलअप होगा। तो आज जा रहे हैं, मैं हूँ, पिंटू है, अंकित है और अक्षय था मेरे साथ में भी। तो बस अब हम निकलने वाले हैं। जस्ट अभी पहुंचे हैं एटीएम। पहले क्या है कि एटीएम से निकलवाने अपन को पैसे और फिर उसको बैंक में सबमिट करवाने, और उसके बाद निकलना है अपन को यूनिवर्सिटी सीधा। फिर वहाँ जाके उसका जो फॉर्म फिलअप है वो सब कर लेंगे। जो फॉर्म फिलअप है अक्षत निकाल रहे हैं पैसे, तो अभी निकालते हैं पैसे पहले। सो गाइस, जस्ट अभी निकलवा लिए पैसे और जस्ट इसके आगे सामने जो बिल्डिंग है ये है इसकी बैंक। अब यहाँ जाके इसको जमा करवाना है पैसों को, और फिर वो हमको एक रिसीट देंगे, उस रिसीट को हमें यूनिवर्सिटी में जमा करवाना है और फिर हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो अब जाते हैं इस बैंक के अंदर और कुछ इनकी फॉर्मेलिटीज से कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, करते हैं। इस बैंक का नाम वैसे वो है हालिक बैंक है, ये हालिक बैंक। चलो इसके अंदर चलते हैं। और ये चार निगवारी पुलों का सुनो वापस आने स्थान अच्छा यार, इसको मतलब कि चार पिंटू करवा लिया भाई यार वीजा की फीस, तो अब यूनिवर्सिटी भी भरनी है, वरना एग्जाम नहीं देने देंगे वो लोग। तो गाइस जस्ट भरवा ली फीस, अब सीधा निकल रहे यूनिवर्सिटी। वहाँ जाके भी कोई फॉर्म फिल करना है और वहाँ जाके हमको पासपोर्ट जमा करवाना है यूनिवर्सिटी में, और वो लोग हमको देंगे 4-5 दिन बाद दे देंगे अपना वीज़ा लगवा के पासपोर्ट में। तो निकलते हैं सीधा फिर यूनिवर्सिटी। गाइस सारा काम हो चुका है, जो पासपोर्ट था वो भी जमा करवाने को दे दिया है। अब मैम ने जो कहा है कि अराउंड 3-4 डेज के अंदर मैम कॉल करेंगी और वो वीज़ा लगवा के हमको पासपोर्ट दे देंगी। अभी मेरे साथ अक्षत है और जस्ट अभी हम रूम पर पहुंचे अपने। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, और आज का सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर। सो टेक केयर, be safe in corona time. So bye guys.